इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे एक अनुराग कश्यप फिल्म डायरेक्टर हैं और काफ़ी विवादों में इसलिए रहते हैं कि वो हर ऐसी कंट्रोवर्सी में टूट पड़ते हैं। ऐसा वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो अपने गुट का समर्थन कर सकें जब भी उनको लगता है कि उनकी ज़रूरत है एक पुश देने के लिए। जैसे क्या है कि एक ऐसा गैंग बना हुआ है, जैसे स्वरा भास्कर हो गए, अनुराग कश्यप हो गए, फरहान अख्तर, जावेद अख्तर, सोनम कपूर, तमाम ऐसे लोग हैं जो एक देश में एक नैरेटिव हमेशा लेके चलते हैं, एक ओवर फेमिनिज्म को प्रमोट करने का, पैट्रियार्की को बार बार पॉइंट आउट करने का कि पितरात्मक सत्ता का बोझ लेके ये समाज चल रहा है, और एंटी हिंदू नैरेटिव, एंटी इंडिया नैरेटिव, हर चीज़ को सपोर्ट करने के लिए एंटी बीजेपी, एंटी मोदी। एंटी बीजेपी, एंटी मोदी से मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एंटी इंडिया और एंटी हिंदू नैरेटिव से फ़र्क पड़ता है। फ़र्क सबको पड़ना चाहिए, आप हिंदू भी हैं और इंडियन हैं तो बिल्कुल फ़र्क पड़ना चाहिए। तो ये वही अनुराग कश्यप है जो ऐसे मुद्दों में अपना एक का दो कौड़ी का ट्वीट लेके सबके सामने आ जाते हैं। तो अभी रिसेंट में कल परसों की बात है, पायल घोष नामक एक लड़की ने उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया है, बोल के, लिख के नहीं, सीधा वीडियो बना के बोल के। उसको वो वीडियो भी मैं दिखा दूंगा, जितनी भी छोटी वीडियो मेरे पास आई है। उस वीडियो में साफ साफ कहा है कि अनुराग कश्यप ने मेरे साथ कैसे कैसे क्या करने की कोशिश की, पहली बार मिलने पे ही क्या एक्सपेक्टेशंस की। और उस लड़की ने कई ऐसे एक्ट्रेसेस के नाम लिए जिसका नाम अनुराग कश्यप ने लिया कि ये लोग तो सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हैं, जब मैं फ़ोन करूँगा तो ये अपने आप को मुझे सर्व कर देंगे, अपना मतलब वो पर्टिकुलर काम के लिए, आप लड़की के मुँह से सुन लीजिए, उसके लिए आ जाएंगे। तो ये इंसान जो कि औरतों के लिए, लड़कियों के लिए ये शब्द प्रयोग करता है, ये मानसिकता रखता है, ये फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट बनने का दावा कर कैसे सकता है? शर्म आनी चाहिए, हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। खैर, आप जो लड़की की पहली वीडियो थी, आप पहले पूरा देख लीजिए। अनुराग काश्यप, आई व्हेन आई सी हिम बियरिंग द फ्लैग ऑफ वीमेन लिबरेशंस, टॉकिंग अबाउट वीमेन पैट्रियार्की, आई अंडरस्टैंड वॉट अ फकिंग हिपोक्रेट इज। आई वेंट टू मीट हिम एंड द नेक्स्ट डे व्हेन ही टुक मी टू द अदर रूम, ही जस्ट ओपन हिज जिप एंड ट्राई टू फोर्स हिज कॉक इन साइड माई वजीना बाई ओपनिंग द नारो ऑफ माई कमी सलवर, एंड देन ही सेड लाइक इट्स ओके, ऑल द एक्ट्रेसेस हु वॉक्ड विथ मी लाइक हुमा कुरैशी, लाइक रीचा चड्डा, माही गिल, दे आर जस्ट अ कॉल अवे, एंड वेन एवर आई कॉल देम दे जस्ट कम रनिंग एंड सक माई कॉक। दैट्स वट ही टोल्ड मी एंड ही एक्सपेक्टेड मी टू डू द सेम। आई सेड सर, आई एम वेरी अनकम्फर्टेबल एंड आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस राइट नाउ, लेट मी गो, आई विल डेफिनेटली कम बैक एंड विल हैव अ गुड टाइम, एंड बट राइट नाउ आई एम नॉट मेंटली और फिजिकली और इमोशनली रेडी फॉर इट। आई डेफिनेटली मीट यू आर अ बिग डिरेक्टर, यू डू गिव ऑल स्मॉल टाइमर्स गुड फिल्म्स एंड यू आर वेरी क्रिएटिव, आई नो, बिकॉज यू हैव गिवन चांस टू रीचा चड्डा, माही गिल, हुमा कुरैशी, हुम माई दे आर सो नॉमिनल लुकिंग गर्ल्स, नॉर्मल जनरली डिरेक्टर्स डोंट गिव देम चांस, बट यू हैव गिवन देम, इट्स अ वेरी गुड थिंग, यू हैव डन अ वेरी ग्रेट जॉब, बट आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर फॉर दिस राइट नाउ, आई विल डेफिनेटली कम बैक एंड आई देन ही टोल्ड मी दैट वेल इट्स वेरी नॉर्मल थिंग इन फिल्म इंडस्ट्री एंड बींग इन टू रिलेशनशिप एंड बींग काइंड ऑफ इन अ फिजिकल रिलेशनशिप इज नथिंग, नॉट अ बिग डील। फिर उस लड़की की दूसरी वीडियो जो उसने ANI के सामने बोले, अपने शब्द प्रस्तुत किए और पूरे कॉन्फिडेंस में थी। यहाँ पे दो तीन पहलू आपको ये भी देखने की ज़रूरत होती है कि अगर लड़की गलत बोल रही है, क्योंकि अनुराग कश्यप के भी मैं ट्वीट दिखाऊंगा, उनका क्या कहना है, उनका ये कहना है कि बहुत दिन बाद उनको अचानक से कुछ याद आया वगैरह वगैरह, उस पर बात करेंगे, ट्वीट दिखा के बात करूँगा। लेकिन अगर कोई लड़की या कोई भी पर्सन कुछ प्लान करता है, वो चीज़ें उसके खिलाफ भी जा सकती हैं, और ये सब डिजिटल मीडिया पे है, सब कुछ उसके शब्द उसके मुंह से निकले हैं, लिखित में नहीं कि कह दे कि हैक हुआ है, और लड़की कह रही कि अब आगे जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे। इसका मतलब ये है कि कुछ प्लान नहीं, ये चीज़ हुई होगी,
तो इसको कुछ झुठला नहीं सकता सिरे से, जैसा कोशिश कर रहे हैं अनुराग कश्यप जी। आप ऐसे आदमी को रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए इतना सब कुछ देखने के बाद। और वैसे भी इसकी मैं रिस्पेक्ट नहीं करता था, जिस तरीके से ये एंटी इंडिया, एंटी हिंदू और वो फेमिनिज़म और जितनी भी इसकी हिपोक्रेसी है सामने आने के बाद, तो अब तो और ख़त्म हो गई जितनी भी बची कुची 1-2% थी। एक बढ़िया बढ़िया फिल्में बॉलीवुड को देने के नाते वगैरह वगैरह उनके ऑफिस में जाके मिली मेरे मैनेजर के साथ, फिर उसके बाद मैं उनके घर पे जाके मिली और सेकेंड टाइम फर्स्ट डे जब मैं उनके घर पे जाके मिली ही वॉज वेरी नाइस टू मी, मतलब वेरी नाइस बोले तो वेरी नाइस, वेरी स्वीट, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस। लेकिन बस सेकेंड डे वापस उन्होंने जब बुलाया तब उनके घर में गई तो चीज़ें कुछ अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, तो जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ओके, क्या घटना घटी थी जिसके बारे में? उन्होंने मुझे अनकम्फर्टेबल फील करवाया और थोड़ा सा मुझे बुरा लगा, जो भी हुआ वैसे होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ना तो मैं उनके साथ काम कर रही थी, ना तो मेरा उनके साथ कोई जान पहचान था, ना तो हम दोस्त थे, हम जस्ट मिले थे। तो कोई तुम्हारे पास काम मांगने आए हैं या काम के लिए मिलने आए हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी कुछ भी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है। तो वो उन्होंने ये नहीं सोचा और उन्होंने मुझे अनकम्फर्टेबल फील करवाया, जो चीज़ मुझे बहुत अभी तक हॉन्ट करता है। तो मैंने आज मैं जब कल इंटरव्यू दिया ना तो उसके बाद यू वोंट बिलीव, मैं इतना अच्छा महसूस किया कि मुझे लगा कि मैं अंदर कुछ छुपा के रखी थी वो मैंने निकाल दिया, आगे जो होगा देख लेंगे। अब इतना देखने के बाद आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो, और अगर आप एग्री करते हैं कि अनुराग कश्यप ऐसा हो सकता है, तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी इस मुद्दे को उठाया है और उन्होंने खुद बोला है, स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, कि हम इस मुद्दे को पुलिस के साथ आगे ले जाएंगे। अब ये जांच का विषय है कि अनुराग कश्यप ने ऐसा किया नहीं किया, लड़की झूठ बोल रही है सच बोल रही है, अनुराग कश्यप झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, जो भी चीज़ें जाँच का विषय बाहर आ जाएंगी आगे। लेकिन जनता का भी अपना एक काम होता है कि वीडियोज़ को शेयर करके एक प्रेशर बिल्डअप करें कि ऐसी गंदगी को ना, अब बॉलीवुड की गंदगी साफ हो ही रही है तो थोड़ा सा आप भी योगदान दीजिए सफाई में, घर बैठ के क्या फ़ायदा। तो अब पढ़ लेते हैं कि अनुराग कश्यप साहब कहना क्या चाहते हैं। 4 ट्वीट किए हैं उन्होंने लगातार, उसको पढ़ लेते हैं, है ना। पहले 2 ट्वीट में क्या लिखते हैं, क्या बात है इतना समय ले लिया मुझे चुप करवाने की कोशिश में, चलो कोई नहीं। इनको चुप करवाने की कोशिश का क्या मतलब था, ये ऐसा क्या राज खोलने वाले थे कि इनको चुप करवाना ज़रूरी था। मुझे चुप कराते कराते इतना झूठ बोल गए कि औरत होते हुए दूसरी औरतों को भी संग घसीट लिया, थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम। बस यही कहूँगा कि जो भी आरोप हैं आपके सब बेबुनियाद हैं। अब मैं अगर अनुराग कश्यप, उनका कोई समर्थक, उनकी कोई PR टीम अगर उन तक कोई पहुँचा दे मेरी वीडियो, या फिर जनता जो शेयर कर दे, ताकि आपके हाथ में बहुत ताकत होती है, आप शेयर करेंगे तो जरूर पहुँचेगी कहीं ना कहीं, या कोई भी प्रेमिका या वो बहुत सारी अभिनेत्रियाँ जिनके साथ मैंने काम किया है, या वो पूरी लड़कियों और औरतों की टीम जो हमेशा मेरे साथ काम करती आई हैं, या वो सारी औरतें जिनके साथ जिनसे मिला बस अकेले में, या जनता के बीच, ये सब ऐसा लग रहा है कि खुद को एक्सपोज कर रहा आदमी अपने रंगीले मिजाज को कि मैंने सबसे प्रेम किया है, चाहे कोई प्रेमिका हो, चाहे मेरी पहली पत्नी हो, चाहे दूसरी पत्नी हो, चाहे कोई अभिनेत्री हो जिससे मैं अकेले में मिला हूँ, या फिर जनता के बीच। खैर, पकड़े जाओगे बेटा, बाकी जो भी होता है देखते हैं, आपके वीडियो में ही दिख जाता है कितना सच है कितना नहीं। बाकी आपको बस दुआ और प्यार, आपकी अंग्रेज़ी का जवाब हिंदी में देने के लिए माफ़ी। माफ़ी तो आपको मांगनी पड़ेगी अगर आप गलत साबित हुए तो, और इसी लड़की से मांगनी पड़ेगी। खैर, हम लोग को ये तो लगता ही था, ये तो सबको पता था कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच नामक एक चीज़ है जो बहुत घिनौनी है, और बहुत सारे एक्ट्रेसेस ने एक्सेप्ट किया है इस बात को, बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस ने एक्सेप्ट किया है और लाइव टेलीविज़न पर आके एक्सेप्ट किया कि मेरे साथ ये होता था, मैं डायरेक्टर का नाम नहीं लूँगी, उन्होंने ये किया वो किया। अभी पीछे एक और लड़की ने एक डायरेक्टर पे उंगली उठाई थी कि उन्होंने मेरे साथ ये किया। हर मुद्दे बड़े नहीं हो पाते, लेकिन अगर मीडिया में है तो आपको हर मुद्दे को बड़ा और अहम बना के इन लोगों के तह तक पहुंचना चाहिए, इस मुद्दे के तह तक, कि इनको पकड़ना ज़रूरी है। ये वही लोग हैं जो अपनी पिक्चर के जरिए रेप कल्चर को प्रमोट करते हैं बॉलीवुड के जरिए। अगर बॉलीवुड को साफ करना है तो जो ड्रग कार्टेल, कास्टिंग काउच, जो रेप कल्चर, ये एंटी हिंदू कल्चर, ये एंटी इंडिया कल्चर, इन सबको कहीं ना कहीं से पकड़ना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। तो आप लोगों को लगता है कभी कोई न्यूज़ आए, कभी कोई बताए, तो आप उसको शेयर तब तक करिए जब तक वो मुद्दा पुलिस के पास या पर्टिकुलर कंसर्न्ड अथॉरिटी के पास या फिर रूलिंग पार्टी के पास, जो इसका समाधान निकाल सके, इस पर जाँच का आदेश दे सके,
वहाँ तक पहुँचाया करी। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है, सिर्फ आप घर पे बैठ के ये डिमांड नहीं कर सकते कि आपके लिए कोई और करेगा और आप एक क्लिक वाला काम भी नहीं करेंगे। मैंने अपना काम यहाँ तक कर दिया, इसको ट्विटर पे भी करूँगा शेयर, इसको मैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ जहाँ मेरी रीच है मैं करूँगा, जहाँ तक आपकी रीच है आप करिए। इस मुद्दे में कितना सच है कितना झूठ है आगे जाँच होगी, पता चल जाएगा। बाकी इस आदमी के कैरेक्टर पर क्या उंगली उठेगी, क्या उंगली उठ चुकी है, जनता जो जानती है वो तो जानती है कितना सच है कितना झूठ है। और रही बात इनके द्वारा दी गई खुद की सफाई, तो कोई खुद की गलती इतनी जल्दी सोशल मीडिया पे मान भी नहीं लेता है, ये बात समझने वाली है। खैर, वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप नए हैं, आपने यहाँ तक देख लिया है, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।